नमस्कार, मैं भुवनेश वासनी इस वक्त स्वागत करता हूँ आपके एच बी एन न्यूज़ चैनल में। और इस वक्त मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ अलीगढ़ शहर की साजनी गेट इलाके से। यहाँ पे हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर, क्या प्रशासन ने किस तरीके से लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें जनता का समर्थन मिल पा रहा है, किस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं लोगों को। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक अलीगढ़ में लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा है, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को ये सामान को पूरा कर सकें। आइए जानते हैं यहाँ के ऑफिसरों से क्या है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी उसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को समझा है कि वास्तव में देश में जो है हालात ऐसी है कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलिए। और बहुत से लोग, मैक्सिमम 80-85% लोग अपने घरों में हैं। कुछ लोग जो घर से बाहर निकलते हैं आवश्यक चीज़ों के लिए, उनको समझाया जाता है अनावश्यक रूप से ना टहले, और अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसके लिए विधिक कार्रवाई भी हमारे यहाँ करते हैं। तो अभी तो बाकी हालात तो ठीक है, सामान्य है, लो एंड ऑर्डर। जिस तरीके से अगर ऐसे हालात रहे तो अलीगढ़ कितनी जल्दी लॉकडाउन से बाहर आ जाएगा? देखिए, इस चीज़ के लिए तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर सब लोग सहयोग करें और इसी तरह से 21 दिन की जो अपील की गई है प्रधानमंत्री द्वारा, अगर हम सभी लोग उसमें एकजुट होकर ऐसे ही जो जैसे सफाई करने को अगर न करने का, मैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं साफ सफाई में पुलिस वाले, और हम सब शासन प्रशासन लोग हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और हम लोग हमारा ये कहना है कि लोग जो है उनको घरों में रहने की वो अपनी ड्यूटी मान के चले कि हम लोगों को घर में रहना एक ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति। अगर वो भी अपनी इस ड्यूटी को ढंग से करते हैं तो निश्चित तौर पर 21 दिन में हम लोग सफल बढ़ जाएंगे और काफ़ी चीज़ों में हम सफल। सर, कुछ जनता के लिए संदेश देना चाहेंगे? हमारी जनता के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घरों में रहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी इसके बारे में अपील कर चुके हैं, हमारे उच्च अधिकारी भी इस बारे में अपील कर चुके हैं। हम लोग भी सुबह शाम गाड़ी से या बाइकों से जब भी रवाना जाते हैं, आप लोगों से अपील करते हैं, एक विनम्र निवेदन हम लोग करते हैं कि आप लोग अपने घरों में रहिए, यही आपकी राष्ट्र के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य आज की तारीख में यही है, और इस चीज़ पर आप अमल करिए। दूसरी एक मैसेज ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि आपाधापी में बाहर आएंगे, राशन की दुकान खुल गई एक निश्चित टाइम पर, तो आप लोग ये मत सोचिए कि राशन खत्म हो जाएगा या आप लोग भूखे मरोगे। भूख से किसी को नहीं मरने दिया जाएगा। शासन प्रशासन में इस चीज़ के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, जल्दी राशन आपके घरों में वितरित किया जाएगा। वो लोग चिन्हित किए जा चुके हैं जो गरीब है और जिनके यहाँ पे वास्तव में जो है खाने की समस्या होने वाली है लॉकडाउन के दौरान, तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चित रहिए, वो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम रोहित पाटिया, मैं शासन के चौक। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं भुवनेश वासनी हिमांशु सिंह के साथ HBN न्यूज़ 64 वही खबर।